जय श्री राम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद अ न्यू वीडियो। तो गाइस, आज मैं अपने मॉर्निंग रूटीन कंप्लीट करके पढ़ने के लिए जा ही रही थी कि मैंने देखा मेरा भाई क्रिकेट खेल रहा है और वो छोटे से बच्चे से बॉल डलवा रहा था। तो फिर उसने मेरे को बोला, रीतिका मेरे पास 5-6 बॉल डाल दे, और उन 5-6 बॉल की कब 50-60 बॉलें बन गई पता ही नहीं लगा। खेलने का एक फ़ायदा तो हुआ, क्योंकि जब मैं नहा के आई थी उस टाइम मेरे को बहुत सर्दी लग रही थी, और खेल खेल के अब मेरे को बहुत गर्मी लगने लग गई थी, और खेलते हुए बहुत ज़्यादा मज़ा भी आ रहा था। बेशक मैं बॉलिंग कर रही थी पर मज़ा तो आ रहा था। और इसी में मैंने कैच लेना भी सीख लिया, पहले मेरे पास कैच नहीं लेना आ रहा था और अब मेरे पास कैच लेना भी आ गया था। अब मैंने इतनी देर बॉलिंग करी थी तो बैटिंग तो मेरी लेनी बनती थी, बट मेरे को बैटिंग इतनी अच्छी करनी नहीं आई, इसलिए मैंने 3-4 बॉले खेल के ही मैं आ गई अपना अंदर पढ़ने के लिए। अभी मेरे को खेलते खेलते बज गए थे 11। फिर उसके बाद जब मैं आई अंदर तो सबसे पहले मैंने शुरू किया करंट अफेयर्स से। करंट अफेयर में आज मैंने 2-3 टॉपिक किए थे, स्पोर्ट्स एंड एग्रीमेंट्स के ऊपर वाले टॉपिक्स के करंट अफेयर्स पढ़े थे। करंट अफेयर अभी मैं कर रही हूँ बोल्ट की PDF से। तो अभी गाइस करंट अफेयर्स तो कंप्लीट होते हैं, जिनको करने में मेरे को लगा है 2 घंटे 10 मिनट, और अभी टाइम 12 नहीं बज रहे हैं, अभी टाइम हो रहा है 1:15, मेरी घड़ी वो पीछे चल रही है। अभी चलते हैं लंच करने के लिए। तो गाइस अभी मैं अपनी रोटी लेके आ गई हूँ बाहर, धूप में अच्छी धूप निकल रही है, और रोटी है मेरी गेहूँ प्लस बाजरे के आटे की मिक्स। तो गाइस अभी हो रहे हैं 2:37, अभी मैं आ चुकी हूँ लंच करके और थोड़ा सा ब्रेक लेके, अभी हम आगे का काम करेंगे। तो गाइज अभी मैं रीजनिंग का करने के लिए बाहर आई थी, धूप निकल रही थी अच्छी, धूप में बैठ के करूँगी कि फिर मेरे से पेप्सी मिलने के लिए आ गई और ये मेरे पास आके खड़ी होगी और अपनी खुजली करवाने के चक्कर में थी ये। फिर इसने मेरे से थोड़ी देर खुजली करवाई, फिर ये चली गई और मैं अपना काम करने लग गई। रीजनिंग में मैंने 6 पज़ल और 6 सिटिंग अरेंजमेंट के सेट लगाए थे, और ये मैंने की है अड्डा पब्लिकेशन की बुक से। तो गाइज पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस लगा लिए हैं मैंने। छह सेट पजल के लगाए हैं और 6 सेट सिटिंग अरेंजमेंट के। इसको करने में मेरे को टाइम लगा है 1 आवर 50 मिनट्स। गाइज अभी फोटो शूट चल रहा है, तनीष उतारने नहीं दे रहा। तो गाइज अभी मैं आई हुई थी इवनिंग वॉक पे, और ये हर्ष और तनीष आए हुए हैं मेरे साथ। पीछे कोको पेप्सी हैं, वो कहीं दूर वो बैठी वहां पता नहीं क्या कर रही। पेप्सी आओ, पेप्सी पेप्सी आ जा। कोको तो वो फिर और ये है पेप्सी और ये है कोको, थक गई है बेचारी, बीच में खड़ी हो गई है। और ये है हम इंग्लिश में। गाइस अभी मैंने प्रेपोजिशन चैप्टर के रूल्स पढ़े हैं, और ये वर्ड्स रीड किए हैं कि फ्लोड बाय प्रेपोजिशन ऑफ के लिए क्या क्या वर्ड्स हैं, एडजेक्टिव फ्लोड बाय प्रेपोजिशन ऑफ, ये वर्ड्स मैंने रीड किए हैं, कुछ यहाँ तक किया मैंने, और लिख लिख के इनकी प्रैक्टिस भी कर ली है कि ये माइंड में रहे, एक बार पढ़ के फिर राइट किया है।
अभी प्रेपोजिशन भी हो गया है, मेरी प्रेपोजिशन बनने की है 50 मिनट्स में। फिर कल मैं जो और वर्ड्स रह गए उनको रीड करके फिर इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करूंगी कल प्रेपोजिशन चैप्टर के। प्रेपोजिशन टॉपिक करने के बाद फिर मैं करने लगी थी एडिटोरियल। एडिटोरियल में पहले सर प्रीवियस वोकैब रिवाइज करवाते हैं, फिर उसके बाद जो द हिंदू एडिटोरियल की वोकैब होती है वो सारी करवाते हैं, उसके एंटोनिम सिनोनिम सारे। फिर उसके बाद रीडिंग करती हूँ मैं उसी एडिटोरियल की, फिर उसके बाद सर उसको एक्सप्लेन करते हैं कि उसमें क्या है कैसे है। डिनर करने के बाद फिर मैंने किए डीआई के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। डीआई के क्वेश्चन मैंने किए थे अड्डा कैप से नवनीत सर की क्लास से। तो गाइस अभी मैंने डीआई के क्वेश्चंस कर लिए हैं कंप्लीट, 6 डीआई लगाई हैं आज मैंने। Thank you.